नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो आज कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची है। वहीं लखनऊ पहुंचते ही प्रियंका गांधी अब एक्शन मोड में दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचते ही उनका जोरदार कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद प्रियंका गांधी अब हजरतगंज के अटल चौक पर मौन धरने पर बैठ चुकी है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं। वहीं अब सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रियंका गांधी का इस तरीके से मौन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके प्रियंका गांधी अभी भी मौन धरने पर बैठी हुई हैं। उनके साथ अजय कुमार लल्लू मौजूद है, साथ ही पार्टी के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी अटल चौक पर मौजूद है और कार्यकर्ताओं का अटल चौक पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस वक्त कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, जिसके विरोध में इस तरीके से प्रियंका गांधी आज मौन धरने पर बैठ चुकी है। तो इस वक्त लखनऊ में बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। जहां बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सियासत तेज हुई थी, वहीं अब लखनऊ में पहुंची प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी का ताबड़तोड़ एक्शन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब राजनीतिक गलियारों में बड़ी सियासत देखने को मिल सियासी हलचल हमें देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर इस वक्त प्रियंका गांधी है, जिसके पहले दिन ही इस तरीके से प्रियंका गांधी का मौन व्रत देखने को मिलता है। तो बता दें इस वक्त प्रियंका गांधी हजरतगंज के अटल चौक पर मौजूद है, जहां पर वो मौन व्रत धारण किए हुए हैं। वहीं इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता रेहान वारसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो रेहान, जिस तरीके से इस वक्त प्रियंका गांधी हजरतगंज के अटल चौक पर मौजूद है और उनका धरना प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ इस वक्त आपको अपडेट मिल पा रहा है? तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं वो मौन व्रत पे बैठे हुए हैं। और अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो पूरा जो गांधी प्रतिमा जो मैदान है वो पूरा कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और यहाँ पर योगी मोदी मुर्दाबाद के लगातार नारे लग रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी आक्रोश भरा हुआ है। प्रियंका गांधी, रेहान, जिस तरीके से प्रियंका गांधी लगातार मौन धरने पर बैठी हुई हैं, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से मांग रखी गई है, क्या कुछ उनकी कैसे आरोप हैं जो लगाए जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, जिसके तहत ये पूरा मौन धरना दिया जा रहा है? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पत्रकारों के साथ जो हमले हो रहे हैं, उसको लेकर जो मौन व्रत पे बैठी हुई है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो लाइन आ रही है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आइए, भीड़ हम आपको दिखाना चाहेंगे, भीड़ में साफ तौर पर देखा जा सकता है तमाम जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है और प्रियंका गांधी के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। आपने भीड़ का जिक्र किया है, जिस तरीके से आप हमें तस्वीरों में दिखा रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता वहां मौजूद है और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्ती देखने को मिल रही है? क्या वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं? जी बिल्कुल, यहां पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। यहां पर तो रेहान, जिस तरीके से इस वक्त प्रियंका गांधी का धरना देखने को मिल रहा है, जहां उनके साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता वहां मौजूद है, वही देखा जा रहा है कि कई घंटे बीत चुके हैं पर प्रियंका गांधी अभी भी धरने पर बैठी हुई है, ऐसे में क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही है कि धरना और कितना लंबा चल सकता है? सरकार
तरीके से इस वक्त वहां पर हम देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ में नारेबाजी भी जमकर की जा रही है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी के साथ और कौन कौन से दिग्गज नेता वहां पर मौजूद है। तो रेहान, जिस तरीके से आप इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रियंका गांधी के साथ वहाँ पर कौन कौन और दिग्गज नेता मौजूद है। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद है और मोना मिश्रा मौजूद है, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं तो मौके पर मौजूद है। योगी और मोदी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, फेल है। आए दिन हत्या बलात्कार लूट अपराध महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। जिस विजन से ये आए थे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, दलितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसान धरने पे बैठा है, आंदोलन कर रहा है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार फेल है। साफ तौर पर हम दिखाना चाहेंगे शायद हमारा संपर्क रेहान से इस वक्त टूट चुका है। तो इस वक्त हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर प्रियंका गांधी हजरतगंज के अटल चौक पर मौन धरने पर बैठी हुई हैं। आपने इस वक्त तस्वीरों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से वह मौन धरने पर बैठी हैं। उनके साथ अजय कुमार लल्लू स्टेज पर मौजूद है, साथ ही सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद है और अपने नेता का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी का मौन व्रत देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा की गई थी, पत्रकारों के साथ मारपीट की जाती है, पुलिस के साथ बर्बरता की गई, साथ ही महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने एक साथ योगी सरकार को घेरा है, जिसके विरोध में आज प्रियंका गांधी का ये मौन व्रत देखने को मिला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान जुड़े हुए थे, जो लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे, जहां पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने नेता के आह्वान पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता अटल चौक पहुंच चुके हैं और लगातार ये धरना जारी है। आपको बता दें कि कई घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके प्रियंका गांधी अपने मौन धरने पर बैठी हुई हैं और लगातार ये धरना जारी है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची है, आज उनके दौरे का पहला दिन है। वही पहले ही दिन अपने दौरे के वह एक्शन मोड में दिखाई दी है। आपको बता दें कि आज 12 बजे के करीब वो लखनऊ पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्यालय का रुख किया, जिसके बाद वो अटल चौक पहुंची, जहां पर गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद वो वहीं मौन धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि लगातार योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष हमलावर हो रहा था, जिसके बाद आज प्रियंका गांधी जो लखनऊ पहुंची है, उन्होंने कानून व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर योगी सरकार को जमकर घेरा है। पर इस वक्त आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त मौन धरने पर बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी इस वक्त अटल चौक पर मौन धरने पर बैठी हुई हैं, जहां उनके साथ अजय कुमार लल्लू और सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर
योगी सरकार को जबरदस्त घेरती हुई प्रियंका गांधी इस वक्त नजर आ रही हैं। कई घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके प्रियंका गांधी अभी भी अपने मौन धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं उनके समर्थन में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता घटनास्थल पर मौजूद है और वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वह अपने नेता के आह्वान पर यहां मौजूद हैं और जब तक उनको आदेश नहीं दिया जाएगा वो इसी तरीके से अटल चौक पर बैठे रहेंगे। इस वक्त लखनऊ में सियासत गर्मा चुकी है। जिस तरीके से आज कांग्रेस का आह्वान देखने को मिला है, जहां कांग्रेस ने हुंकार भर दी है सरकार के खिलाफ, ये हुंकार भरते हुए प्रियंका गांधी का आज ये मौन व्रत देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी लखनऊ में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई हैं। लगभग 12 बजे के करीब वो अमौसी एयरपोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पे किया गया था, जिसके बाद उनका काफिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचता है, जिसके बाद वह गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अटल चौक हजरतगंज पहुंचती है, जहां गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण करने के बाद वह प्रतिमा के सामने ही मौन धरने पर बैठ गई। वहीं इस मौन धरने को शुरू हुए कई घंटों बीत चुके हैं, बावजूद इसके प्रियंका गांधी अपनी ही जगह पर मौजूद है। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां पीएम मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो कोचेज में इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह आज देश भर में